गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपकी क्लास टीचर मंजू, GPSSS माजरा, ब्लॉक सोनीपत से आज आपके सामने एक बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाला टॉपिक हौसलों की उड़ान लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो बेटे, इसमें वहीदा अपनी मम्मी को अखबार पढ़कर सुना रही है और बता रही है कि ईरा सिंघल ने सिविल सर्विस परीक्षा 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ईरा सिंघल कौन है? ईरा सिंघल एक ऐसी छात्रा है जिसको स्कोलियोसिस नामक समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या के होते हुए भी उसने सिविल सर्विस 2014 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कोलियोसिस क्या है बेटे? स्कोलियोसिस बीमारी नहीं बल्कि एक समस्या है जिसमें रीढ़ की हड्डी एक ओर झुक जाती है, और जिन बच्चों में यह समस्या होती है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है यह समस्या भी बढ़ती जाती है। लेकिन ईरा सिंघल ने बहुत ही पक्के इरादे से बहुत मेहनत की और सफलता प्राप्त की। इस उदाहरण के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ बेटा, कुछ बच्चे चाहे उनके सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, वे अपनी मंजिल को प्राप्त कर ही लेते हैं। अब देखो, वहीदा के स्कूल में एक अध्यापक है जिसको देख नहीं सकती वह, और उसने भी बहुत ही अच्छे नंबर से परीक्षा पास की। फिर वह वहीदा पूछती है, दीदी आप देख तो सकते नहीं, फिर आपने इतने अच्छे नंबर कैसे लिए? वह बताती है कि मैं हर बच्चे को उसकी आवाज से पहचान लेती हूँ, जब मैं देख नहीं पाती तो मेरे अंदर यह योग्यता है कि मैं आवाज से पहचान कर किसी को भी सुन सकती हूँ। फिर बेटा, जो बच्चे देख नहीं पाते, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो देख नहीं पाते और उनके सामने पढ़ने की समस्या आ जाती है, तो फिर बताओ वे अपनी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? उनके लिए भी समाधान है, और उनके लिए समाधान ये है कि वे ब्रेल लिपि से पढ़ सकते हैं। लुई ब्रेल को ब्रेल लिपि का जनक कहा जाता है। अब ये ब्रेल लिपि क्या है बेटे? इस लिपि में 6 बिंदुओं को उनके सामने लिखे अक्षरों या अंकों द्वारा जाना जाता है। इन्हीं 6 बिंदुओं से वर्णों की आकृतियों का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो ये 6 बिंदु होते हैं, जो ऊपर की ओर उभरी हुई डॉट होती हैं, इनसे आकृतियों या शब्दों का निर्माण किया जाता है। अब ये तो हुई बेटा जो देख नहीं सकते, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, उनके सामने भी तो समस्या आती है ना। तो मान लो आपके स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो ठीक से चल नहीं सकते, उनके लिए स्कूलों में क्या सुविधाएं होनी चाहिए बताओ? तो उनके लिए बेटा, एक तो सबसे पहले रास्ते ढलानदार होने चाहिए, ताकि उनकी जो रिक्शा है या वे जो आराम से चल सकते हैं, वे ढलानदार रास्तों पर ही आराम से चल सकते हैं, या वे जो जैसे रिक्शा पर आते हैं तो उनकी रिक्शा आसानी से बरामदे तक चली जाए। ठीक है बेटे? अब है जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो लोग बोल नहीं सकते वे कुछ संकेतों के माध्यम से अपनी बात को समझाते हैं। कैसे समझाते हैं जो बोल नहीं पाते? वे हाथों से इशारे करते हैं या हाव भाव कुछ ऐसे दिखाते हैं कि दूसरा उनकी बात को समझ सकता है। ठीक है बेटे? अब हमारे कानून में कुछ बदलाव करके
शिक्षा के अधिकार द्वारा सभी तरह के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को कक्षा में सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। ये क्यों किया गया है? ताकि उन बच्चों में कोई हीन भावना उत्पन्न हो जाए, वे भी दूसरे बच्चों की तरह, सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा प्राप्त कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। बेटे, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे भी किसी भी तरह की समस्या हो, अगर हमारा मन में पक्का इरादा हो, कुछ पाने का इरादा हो, तो ये समस्याएं हमारे आगे नहीं आ सकती। और अगर ऐसा कोई बच्चा है आपकी क्लास में या आपके विद्यालय में, तो आपको उन सब की मदद करनी चाहिए। करोगे ना? ठीक, ओके, थैंक यू।